हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? क्या आपको भी मेरी तरह गार्डनिंग का बहुत शौक़ है? फूल पौधे बहुत पसंद है, या इस तरीके से हॉरिजॉन्टल गार्डनिंग करना? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो तरीके की गार्डनिंग होती है। वर्टिकल में हम नीचे प्लांट्स लगाते हैं और हॉरिजॉन्टल में हम ये इस तरीके के वॉल्स लगाते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे बॉटल को, पुरानी बोतलों को रीयूज़ करके यहाँ पे गार्डनिंग करी है। आप देख रहे हैं किस तरीके से बॉटल को रीयूज़ करके मैंने यहाँ पे प्लांट लगाए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, मैं आपको सिखाऊंगी कैसे आप अपनी पुरानी बोतलों का इस्तेमाल करके उसको इस तरह खूबसूरती से सजा सकते हैं और अपने गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही आसान है ये, लग बहुत अच्छा है रहा है और सभी लोग इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, पर इसको बनाने में बिल्कुल भी कोई भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए आज का हम आपको अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पर अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बोतल ली, क्योंकि हम यहाँ पे बॉटल से ही वास बना रहे हैं। ये मेरी पुरानी रेल नीर वाली, जो बेसिकली हम लोग ट्रैवल करते हैं और बॉटलें मिल जाती हैं, वही वाली बॉटल से हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले इस बॉटल का कवर अवर हम उतार लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी बॉटल का पूरी तरीके से कवर उतार के क्लीन करके रख लिया है। तो अब ये बोतल बहुत सॉफ्ट होती है, तो इसलिए इजीली कटिंग भी हो जाती है। यहाँ पे हम कलर्स ले रहे हैं फैब्रिका के, कैमल के कलर। बहुत तरीके के कलर हैं, पर यहाँ पे मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने बॉटल वॉश का बेस जो है ब्लैक करना है। अगर आपको कलरफुल चाहिए तो आप कलरफुल पेंट कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू योर चॉइस। मैं यहाँ पे ब्लैक बेस ले रही हूँ, जो मैंने ब्लैक कलर को कटोरी में भिगो के इस तरीके से स्पॉन्ज की हेल्प से धीमे धीमे डैब कर करके इसको पेंट करना है, क्योंकि बॉटल पे कलर रुकता नहीं है। तो सबसे ज़्यादा यही समस्या आती है कि बॉटल पे कलर रुकता नहीं है, पर अगर आप डैब कर करके करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद इसे थोड़ी देर सूखने देना है। तो ये सूखने के बाद कुछ इस तरीके से आया है। मैंने आधी बोतल पे पेंट करा है, क्योंकि मुझे सीजर से इसके ऊपर का बेस काटना है, क्योंकि जहाँ हम पौधा लगाएंगे उस वो हिस्सा हमने कट कर लिया है। आप देख रहे हैं मैंने ये इसकी पतली सी इधर लेयर छोड़ी है और एक पतली सी लेयर उधर छोड़ी है, क्योंकि बोतल का जो ये ऊपर का हिस्सा होता है ये बहुत कड़क होता है और बहुत ही मज़बूत होता है। ये कटेगा भी नहीं और टूटेगा भी नहीं, ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है। ये बोतलें बहुत लंबे टाइम के लिए चलती हैं, तो आप भी ऐसे कटिंग कर लेना। बाद में यहाँ पे मैंने सजावट के लिए फॉइल शीट ली है, फॉइल शीट को आधा कर लिया है, जिससे मेरे दो पार्टीशन हो गए हैं। फिर उसको मैंने 4 times फोल्ड करा है और उसको मैंने और 4 times फोल्ड करा है, क्योंकि मुझे इससे फ्लावर बनाने हैं। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से फ़ोल्ड करके सीज़र की हेल्प से अच्छे से गोल गोल कटिंग कर ली है। जैसे बचपन में हम लोग क्राफ्ट बनाते थे तो इसी तरीके से कुछ फूल बनाते थे, याद आया आपको कुछ बचपन की चीज़ें? तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे फॉइल पेपर के फूल बनाए हैं। बहुत पतली लेयर होती है फॉइल की, तो बहुत ही ध्यान से इसको निकालिएगा, वरना ऐसा ना हो निकालने में ही आपके 2-4 फूल ख़त्म हो जाए। तो अच्छे से फूल निकाल लिए मैंने। अब यहाँ पे मैंने पेंट ले लिया है, फूलों को अलग रख दिया है। अब मुझे ये पेंट से, जो मैंने ब्लैक कलर का बेस बनाया था अपनी बॉटल पे, उस पर कुछ डिज़ाइनिंग करनी है ताकि वो सुंदर सा लगे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ग्रीन कलर का लिया है, क्योंकि हमने फूल बना लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर के पेंट से कुछ डंडी और पत्ती बनाने की कोशिश करी है यहाँ पर, और मैंने येल्लो कलर के पेंट से भी इसको अच्छे से यहाँ पे लीफी इफ़ेक्ट देने की कोशिश करी है, जिससे लगे पेड़ में येलो कलर की लीफ निकली हुई हैं। तो थोड़ा सा कलरफुल लगता है ना, तो भी बहुत प्यारा लगता है दूर से, क्योंकि ब्लैक कलर के बेस पे येलो कलर बहुत चमकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे येलो कलर लिया है। आप चाहो तो आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हो। और सूखने के बाद ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। और जब ये सूख जाएगा आपका वास और उसकी डिज़ाइन, तो आपको यहाँ पे मैंने फेविक्रिल का ये फेविकॉल लिया है, इससे बेसिकली जो कपड़ों पे नग लगाए जाते हैं तो बहुत मज़बूत चिपकते हैं, इसीलिए मैं इससे ही अपने फ्लावर पॉट पे चिपका रही हूँ। और इससे मैंने आज तक जो भी चिपकाया है तो वो छूटता नहीं है, तो मुझे तो परफेक्ट लगता है। और कुछ इस तरह हमारा वास लगेगा जब वो पूरी तरीके से कम्प्लीट हो जाएगा।
मैंने यहाँ पे दो बोतलें लेके दो बोतलों का वास बनाया है। आपको जितनी बोतल का चाहिए आप उस तरीके से बना सकते हैं। और फिर इसमें अच्छे से मैंने जब मड भर के प्लांट लगाया तो आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये बहुत ही अच्छा है फूल, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉइल पेपर लिया था क्योंकि ये बहुत शाइनी रहता है, बहुत चमकता है, जिससे दूर से बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसी तरीके से बना सकते हैं और अपनी मनपसंद का कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। आप चाहो तो वो झालर वाले जो आते हैं प्लांट वैसे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर का हिस्सा बहुत मज़बूत है इसलिए ये टंगने में भी आसानी से टंग जाएगा और बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। ये बहुत मज़बूत वास होता है क्योंकि पूरी बोतल तो नाजुक रहती है पर ये बोतल का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, ये बहुत मज़बूत रहता है। आप चाहो तो इसके ढक्कन पर भी कलर कर सकते हो, पर मुझे तो ये ऐसे ही बहुत प्यारा लग रहा है तो ये टंग सकते हैं। आप चाहो तो इसे अच्छे से टांग दो, पर मैंने इसको अभी यहाँ पे लगाया है। तो गाइस अगर आपको यही टेक्निक मेरी पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।